सो हेलो फ्रेंड्स, आज हम पार्ट मॉडलिंग में क्या क्या हमारी कमांड्स हैं वो चेक करेंगे। क्या क्या फीचर्स हैं हमारे पास, बेसिकली हम यूज करते हैं ये एक तो है स्केच बेस्ड फीचर्स। इसमें आपके पैड, पॉकेट, शाफ्ट, ग्रूव, होल, स्लॉट, रिब स्लॉट, मल्टी सेक्शन सॉलिड, रिमूव मल्टी सेक्शन सॉलिड, तो ये सारे स्केच बेस्ड फीचर्स हैं। उसके बाद ड्रेसअप फीचर जैसे फिलेट, चैम्फर, ड्राफ्ट, शेल, ये सारे ड्रेसअप फीचर हैं। और ट्रांसफॉर्मेशन फीचर आगे हमारे ट्रांसलेट, मिरर, रेक्टेंगुलर पैटर्न, सर्कुलर पैटर्न, यूजर पैटर्न, स्केल, तो ये सारे ट्रांसफॉर्मेशन फीचर हैं। तो हमें स्केच बेस्ड फीचर के लिए फर्स्टली यहाँ पे हमें एक स्केच चाहिए होगा, तभी हम इन्हें यूज़ कर पाएंगे। ठीक है, लास्ट वीडियो में हमने सिंपल स्केच बनाया था और उसे पैड कर दिया था, राइट? ठीक है, तो मैं बारी बारी से इन्हें एक बार आपको बता देता हूँ। मैं प्लेन सेलेक्ट करता हूँ, स्केच में जाता हूँ, मैं एक स्केच बनाता हूँ। और हमेशा याद रखिए, जब भी आप भी ड्राइंग बनाए तो हमेशा अपने स्केच को ना फुली कंस्ट्रेंट रखें, ताकि वो मूव ना हो। कभी आप कुछ ऐसा काम कर रहे हो और फुली कंस्ट्रेंट ना हो और थोड़ा सा भी हिल गया तो आपको बहुत इशू आ सकता है। इशू मीन्स फिर आपको दोबारा से कंस्ट्रेंट करना पड़ेगा। तो हमेशा फुली कंस्ट्रेंट रखें, ये एक हैबिट बना लें कि आपका स्केच हमेशा फुली कंस्ट्रेंट होना चाहिए। ठीक है, स्केच वर्कबेंच से एग्जिट करता हूँ। तो आप देखोगे अभी पहले सिर्फ ये ही थी, अब ये भी एक्टिवेट हो गई। ठीक है, तो हम पहले पैड करेंगे सिंपल। आपको कितनी हाइट चाहिए इसमें, डायमेंशन अप टू नेक्स्ट, ये मैं बाद में बताऊंगा, अभी एक्टिवेट नहीं हो पाएगा। डायमेंशन कितनी डायमेंशन चाहिए, ठीक है। अब डायमेंशन मतलब हमने एक प्लेन से बनाया था ना, मतलब ये वाली लाइन से ऊपर की तरफ कर रहे हैं हम। हमें मिरर चाहिए नीचे की तरफ भी, सेम हमें 20 mm ही चाहिए। ये देखो 20 आ गया, 20 ऊपर की तरफ, 20 नीचे की तरफ, तो ये मिरर एक्सटेंड से हो जाएगा। डायरेक्शन रिवर्स मिरर, अभी अब ये जैसे इस प्लेन से ये ऊपर की तरफ बन रहा है, अभी ये एरो ऊपर की तरफ है। मैं डायरेक्शन रिवर्स करूँगा, ये नीचे प्लेन से नीचे की तरफ बनेगा। ठीक है, तो ये इसका यूज है मिरर एक्सटेंड, मतलब बोथ साइड आपको सेम, एक प्लेन से दोनों साइड आपको सेम थिकनेस चाहिए, तो ये मिरर एक्सटेंड आप यूज कर सकते हो। ठीक है, ये सेकंड लिमिट अभी काम की नहीं है। ठीक है, अप टू नेक्स्ट मतलब अगर कोई यहाँ पे कोई सरफेस होता तो आप अप टू नेक्स्ट करते तो वो आपको सिलेक्ट करना पड़ता यहाँ पे लिमिट ना, तो वो वहां तक ऑटोमेटिकली खुद ही, आपको डिस्टेंस देने की जरूरत नहीं थी, वो खुद ही हो जाता। अप टू लास्ट, लास्ट मतलब जो भी उसे लास्ट तक मिलेगा वो अप टू प्लेन, आपको एक प्लेन सेलेक्ट करना पड़ेगा वहाँ तक, ये अप टू सरफेस सेम वही है। ठीक है, तो अभी हम डायमेंशन ही करते क्योंकि हमारे पास अभी कुछ और है नहीं, तो हम ओके करेंगे। तो ये हमारा हो गया, ठीक है, 20 mm। अब बारी आती है हमारी पॉकेट की। पॉकेट के लिए भी हमें एक स्केच चाहिए होगा, तो हम इसी को सिलेक्ट करते हैं, स्केच पे जाते हैं और एक सर्कल बना लेता हूँ यहाँ पे। ठीक है, इसका रेडियस दे देते हैं हम, डायमीटर दे देते हैं 60। ठीक है, ओके, एग्जिट करेंगे। इसकी शेप कैसी भी हो, अभी तो मैं सिंपल बता रहा हूँ, तो ये देखो जब यहाँ पे क्लिक करोगे तो ये
इसे इतना इतना कट कर देगा। अभी तो डेप्थ बता रहा है, अभी डायमेंशन बता रहा है। आप देखोगे अप टू लास्ट तक करोगे तो ये पूरा कट करेगा, ठीक है। ये देखो पूरा कट किया ना, दोबारा पे मैं डबल क्लिक करता हूँ। अगर आप यहाँ पे डायमेंशन दोगे कि मुझे 10 तक ही चाहिए, तो ये उतना ही कट करेगा। अप टू प्लेन है नहीं, अप टू नेक्स्ट भी नहीं है, तो ये अप टू लास्ट करोगे पूरा का पूरा कट कर देगा, ठीक है। इसमें भी सेम फीचर रहते हैं, जो जो होंगे वो एक्टिवेट हो जाएंगे। अभी इसमें मैं ड्रेसअप फीचर एक दो और बता देता हूँ जो कि यहीं पे यूज़ हो जाएंगे। जैसे हमारा ये फिलेट, एज फिलेट, ये हमारे एजेस हैं, इनको हम सिलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पे इसका रेडियस दे देंगे। हमें कितना रेडियस चाहिए, मुझे चाहिए 8, तो ये यहाँ पे फिलेट लग गया। डबल क्लिक करोगे सिंपल, आप यहाँ से 12 करना चाहते हो 12 हो जाएगा। डबल क्लिक करोगे वो रह गया, उसे ऐड करना है तो सिंपल यहाँ पे क्लिक करके ऐड कर लोगे। अगर इसमें से कोई रिमूव करना है तो डबल यहाँ पे क्लिक करोगे तो वो रिमूव हो जाएगा। अगर आप बहुत सारे एजेस आपको पता नहीं चल रहे तो यहाँ पे भी ये बॉक्स बना हुआ है, यहाँ पे क्लिक करोगे तो ये सारे एजेस यहाँ पे आ जाएंगे जो जो आपने सिलेक्ट किए हुए हैं, ठीक है। तो यहाँ से रिमूव रिप्लेस कर सकते हो आप, सिंपल टेंजेंसी ही होती है हमारी। तो यहाँ पे ये फिलेट आ गया, फिलेट को मैं डिलीट कर देता हूँ। अब मुझे चाहिए चैम्फर, तो यहाँ पे लेंथ और एंगल और लेंथ और लेंथ, मोस्टली हम लेंथ और एंगल यूज करते हैं। एंगल 45 ही रहता है और लेंथ पे आप डिपेंड करता है आपको कितनी चाहिए। मुझे चाहिए 5, तो ये यहाँ से इसे कट कर देगा। इसे डबल क्लिक करोगे दोबारा एडिट विंडो पे आ जाओगे, ये भी सिलेक्ट कर लो, ये भी सिलेक्ट कर लो, यहाँ पे चैम्फर हो जाएगा, ठीक है। लेंथ टू लेंथ होता तो उसमें हमें 2 लेंथ देनी पड़ती, यहाँ पे 5, यहाँ पे चाहिए मुझे 2, तो ये उस हिसाब से कट करता, ठीक है। तो ये हमारा चैम्फर हो गया। अब हम देखेंगे शाफ्ट, मैं प्लेन सिलेक्ट कर लेता हूँ। शाफ्ट के लिए मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है, हमें एक एक्सिस चाहिए होगी जिसके अराउंड ये रिवॉल्व करेगा जो भी हमारा स्केच होगा, ठीक है। तो मैं एक एक्सिस ले ली, ठीक है, ये एक्सिस है, ये यहाँ पे मिल जाएगी आपको। अगर आप एक लाइन भी लेते हो तब भी कोई इशू नहीं है, उसको हम एक्सिस में कन्वर्ट कर सकते हैं। यहाँ पे क्लिक करोगे कि हम इसे एक्सिस में कन्वर्ट कर देते थे, नहीं, हाँ यहीं पे क्लिक करोगे आप और इस पे क्लिक करोगे तो ये बोलेगा द सिलेक्टेड लाइन विल ट्रांसफॉर्म इनटू एन एक्सिस, ठीक है। डू यू वांट टू ट्रांसफॉर्म दिस लाइन, यस, तो आप सिंपल इसी को कन्वर्ट कर सकते हो, ठीक है। अब हम बनाएंगे एक स्केच, जैसा भी स्केच हो सकता है, जैसा भी आपको चाहिए, ठीक है। इसको लोगे, ये हैबिट बना लो कि आपको फुली कंस्ट्रेंट करना ही करना है, राइट। तो ये हैबिट रहेगी तो आपको फ्यूचर में सही रहेगा इसके लिए। एक और चीज बताता हूँ, जैसे आपको ये डिस्टेंस नहीं देना है, आपको यहाँ पे डाया देना है, ठीक है। तो यहाँ पे कन्वर्ट करोगे तो ये डाया आ गया, ठीक है, तो ये डाया में कन्वर्ट हो जाएगा। यहाँ से एंगल दे दो, दो इसकी इतनी है,
करेंगे यहाँ पे शाफ्ट कमांड यूज, सिंपल क्लिक करोगे ये ऑटोमेटिक, क्योंकि हमने यहाँ पे एक्सेस दी हुई है तो उसके अराउंड रिवॉल्व कर लेगा। अब रिवॉल्व आपको पूरा नहीं चाहिए, ठीक है, जैसे अभी देखोगे तो ये पूरा रिवॉल्व हो रहा है, ठीक है, आपको पूरा रिवॉल्व नहीं करना है, आपको चाहिए 120, ओके करोगे तो ये हाफ ही रिवॉल्व होगा, ठीक है, पूरा क्यों हो रहा है, पूरा नहीं होना चाहिए, ये हम करेंगे इसे क्लोज, ठीक है, एग्जिट करेंगे, तो ये आप देखोगे कि हाफ पोर्शन हुआ है, तो आप ये भी कंट्रोल कर सकते हो, यहाँ से सेकंड एंगल भी दे सकते हो कि यहाँ से ये कंट्रोल कर रहा है अभी, तो यहाँ से मुझे और चाहिए थोड़ा सा, ये दूसरी साइड से बढ़ रहा है, ठीक है, तो आप इसे भी कंट्रोल कर सकते हो, रिवर्स डायरेक्शन, दूसरी डायरेक्शन से चाहिए मुझे, तो ये जब आप हाफ देते हो तब दूसरी डायरेक्शन से ये एक्सेस स्केच की एक्सेस उठा रहा है, ठीक है, हो गया रिवॉल्व। अब ये आ गया आपका ग्रूव, ग्रूव में कैसे रहेगा, अभी आप देखोगे, बताता हूं, यहाँ पे आपके पॉइंट लाइन, अगर वैसे ही प्लेन लेना हो तो ये भी मैं आपको बताऊंगा, एक अलग से वीडियो बनाऊंगा पॉइंट लाइन और प्लेन की, ठीक है, अगर आपको इसके बीच में ग्रूव चाहिए, सिंपल यहाँ पे जाओ, अनहाइड करो, स्केच पे जाओ, मुझे यहां से ये करो, ये अभी मैं इसे कंस्ट्रेन नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने जस्ट ऐसे ही आपको शो करने के लिए बनाया हुआ है, अगर आप करना चाहो तो कर सकते हो, एंगल दे दो, यहाँ से इसकी, ठीक है, ठीक है, ग्रूव के लिए आपको एक क्लोज्ड एरिया होना चाहिए, जैसे ये मैंने क्लोज कर दिया, अब मैं एग्जिट करता हूँ, अब मैं करूँगा ग्रूव, अब आप देखोगे कि ये इतना इतना एरिया अंदर से कट कर देगा, ये हमारा आ गया कमांड है एक,
इसमें हम मैं दिखाऊंगा आपको। ये आप देखोगे तो इसने ये इतना इतना कट कर दिया, ठीक है। ये डायनेमिक सेक्शनिंग में ये किसके अंडर आता है, डायनेमिक करके आता है, ठीक है। तो आप देखोगे कि इसे ग्रूव बना दिए, इसने कट कर दिया, बट इसके लिए क्लोज्ड दोनों तरफ से पूरा अंदर और बाहर की तरफ से क्लोज सरफेस होना चाहिए, ठीक है। तो ये आपका था ग्रूव, तो इसे हम डिलीट करते हैं, शाफ्ट को भी डिलीट करते हैं। अब आएगी होल, मैं यहाँ पे फिलेट लगा लेता हूँ 20 का। अब आएगा होल, जब आप होल पे क्लिक करोगे तो आप एक फेस और एक एज को सिलेक्ट करोगे तो ऑटोमेटिकली उस एज का मतलब उस रेडियस का वो सेंटर उठा लेगा। अब ये एग्जैक्ट सेंटर पे है, तो यहाँ पे आपको आ गया टाइप डायमीटर कितना है, डेप्थ कितनी चाहिए, ठीक है। ओके, हाँ, और जो ऐसे उठाओगे सिंपल तो अभी ये इसके इस आर्क के सेंटर पॉइंट पे नहीं है, ठीक है। तो उसके लिए आपको यहाँ पे पोजीशनिंग स्केच पे जाना पड़ेगा, और ये देखो तो फिर हमें इसे पोजीशन करना पड़ेगा, कंट्रोल दबा के यहाँ पे क्लिक करके सेंट्रिसिटी, तो ये सेंटर पे आ जाएगा, ठीक है। कलर चेंज हो गया इसका, हाँ लाइन मतलब जितना आप इसे डिस्टेंस दोगे उतना अप टू नेक्स्ट मतलब पूरा ही कर देगा, अप टू लास्ट मतलब अगर और भी कुछ नीचे होता तो उसको भी कर देता, अप टू प्लेन सरफेस तो वो वही है। तो अप टू लास्ट करते हैं, इसमें आगे टाइप आ जाएंगे, टेपर्ड, काउंटर बोर, काउंटर संग, ठीक है। और ये इसके स्टैंडर्ड्स हैं फिर थ्रेड्स के, ठीक है, 10 का अप टू, ओके ठीक है। ये होल हो गया, इस वाले को मैं डिलीट कर देता हूँ, होल हो गया। इसी में आप हम देखेंगे पैटर्न, ये पैटर्न यूज कर सकते हैं, ठीक है। ये चलो इसे बाद में कवर करेंगे, ठीक है। होल हो गया, अब बारी आती है हमारी रिब की, उसके बाद स्लॉट। जैसे जैसे ये है शाफ्ट, जैसे पैड मतलब हम कुछ थिकनेस देंगे, पॉकेट मतलब उस थिकनेस को हम कट कर सकते हैं। शाफ्ट कोई भी हमारे पास एक एक्सिस के अराउंड कुछ भी बना होगा उसको रिवॉल्व करेंगे, ग्रूव मतलब उसको कट करेंगे, होल सिंपल। ये स्लॉट, इसमें एक प्रोफाइल होगी, एक कर्व होगी, एक प्रोफाइल जो है उस कर्व के अकॉर्डिंगली वो बनेगा। और ये स्लॉट जैसे ही इसमें मटेरियल फिल हुआ था इसमें हम रिमूव कर सकते हैं उसके अकॉर्डिंग। चलो मैं करके दिखाता हूँ आपको, डिलीट कर देते हैं सबको, सबकी ज़रूरत नहीं है इसके लिए, मैं ये हो गया डिलीट, ठीक है। इसके लिए हमें चाहिए पहले एक स्केच, स्केच पे जाता हूँ मैं, एक सिंपल सा सर्कल बना लेता हूँ, ठीक है। इसका डाया होगा 60 कह रहा हूँ। अब हमें चाहिए गाइड कर्व, ठीक है। ये प्लेन सिलेक्ट करता हूँ मैं, इसका डिस्टेंस
और हमेशा रहे कि ये जो है अभी तो कोई इशू नहीं है, बट ये हमेशा इसके सेंटर में रखोगे तो बेस्ट रहेगा। वैसे हो तो जाएगा, बट जब हम पाइप बनाते हैं, होलो पाइप, मैं अपने वैसे बात कर रहा हूँ, तो बेंड टेबल जब हम रन करते हैं ना तो उसमें इशू आता है। तो अभी तो इसमें कोई इशू नहीं है, सिंपल हमने प्रोफाइल जो हमारी ये है और कर्व जिसके अलोंग इसे बनना है तो यहाँ से आ जाएगा। ठीक है, थिकन प्रोफाइल, थिकनेस कितनी चाहिए, वॉल की थिकनेस यहीं से दे सकते हो आप। ठीक है, मर्ज रिबेंड, आगे कुछ होगा तो उस पर मर्ज हो जाएगा वो, तो ये अभी नहीं है मर्ज, एंड ये वाला सेम वही है। थिकन प्रोफाइल भी नहीं चाहिए हमें, कीप द एंगल, जो यहाँ पे प्रोफाइल और इसमें एंगल है वो थ्रू आउट सेम रहेगा। ठीक है, तो ये ऐसा बना। ठीक है, ये था हमारा रिब। अब हमें करना है स्लॉट बनाना है, स्लॉट में यहीं पे कर देता हूँ। इसमें हमें ये वाला स्केच तो हम इसी का यूज़ कर लेंगे, इसे करते हैं अनहाइड, इस फेस को क्लिक करके ओके, और यहाँ पे जाके मुझे क्या करना है, स्लॉट, क्या बताया था मैंने आपको, स्लॉट में क्या होगा, मटेरियल रिमूव, स्लॉट पे क्लिक करेंगे, सेम स्केच दूसरा यूज करेंगे, ओके करेंगे, तो ये मटेरियल रिमूव हो जाएगा इतना इतना सारा अंदर तक। ठीक है, तो ये काम कर सकते हैं हम, ये वाला काम इसी में भी कर सकते हैं, इसमें भी कर सकते हैं। ठीक है, हम इसे डिलीट कर देता हूँ। जब हमने फर्स्ट स्केच बनाया था ना उसी में ही हमें अगर कुछ चाहिए होगा कि हमें उतना ही थिकनेस चाहिए तो हम सिंपल यहाँ पे करेंगे, इतनी थिकनेस चाहिए मुझे, चाहिए 10 की, सिंपल यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये उतने का बन जाएगा। बट कई जगह में ये यूज़ करना पड़ता है स्लॉट। ठीक है, तो ये था हमारा स्लॉट और रिप, इसे करता हूँ मैं डिलीट। हमारी हमारी मल्टी सेक्शन सॉलिड और रिमूव्ड मल्टी सेक्शन सॉलिड सेम ऐसे ही है। मैं जाऊंगा पहले स्केच बनाते हैं, इसके लिए मैं यूज करता हूं पहले ओके सर्कल यूज करते हैं, एक बात और, जब हम चलो सिंपल बाद में बताता हूँ। अब मुझे मल्टी सेक्शन सॉलिड के लिए मुझे दो प्रोफाइल चाहिए होंगी, दो या दो से ज़्यादा। ठीक है, तो उसके लिए मैं प्लेन पे जाता हूँ, ये मैं आपको बाद में बताऊँगा। पहले हम सिंपल ऑफसेट लेंगे ये प्लेन का, मुझे कितना डिस्टेंस चाहिए, 80 पे आ जाएगा। इस पर दूसरी प्रोफाइल बनाऊँगा, सेक्शन सॉलिड पे क्लिक किया, यहाँ पे हमें प्रोफाइल सिलेक्ट करनी है, फर्स्ट सेकंड। अब आप देखोगे यहाँ पे क्लोजिंग पॉइंट टू एरो आ रहा है, क्लोजिंग पॉइंट टू एरो, अगर ये सेम डायरेक्शन में है तो आपका स्मूथनेस अच्छी आएगी। ये देखो सिंपल आ गया। अब ये ऑपोजिट डायरेक्शन में होंगे तो दिक्कत देगा, तो ये हमेशा सेम डायरेक्शन में होने चाहिए। ठीक है, फिर इसमें आ जाता है आपका गाइड कर्व, अगर आपका शेप अलग है तो आप गाइड कर्व दे सकते हो, स्प्लाइन, कपलिंग, कपलिंग में बताता हूँ, जैसे ये पॉइंट एक आपको
वो है कि ये पॉइंट यहाँ पे मैच करें, ठीक है, ये कपलिंग आ गई इसकी, वैसे ही कपलिंग दे दे के आप रिमूव ऐड कर सकते हो। दूसरा चाहिए, अभी हमारे पास पॉइंट नहीं है तो ये उठाएगा, ठीक है, जैसे ही ओके करोगे सेम साइड पे है रिव्यू, ओके, ठीक है। ये सिंपल था, कपलिंग में अगर कॉर्नर वगैरह हो, क्योंकि वो मूव कर जाता है पॉइंट, तो इसलिए, क्योंकि ये सेम था तो भी बन गया। अब ये रिमूव मल्टी सेक्शन सॉकेट, सेम वैसे ही जैसे हमने उस पर किया था, इस पर एक स्केच बनाएंगे, ठीक है, कितना मिटाया होगा दूसरे फेज पे स्केच। अब मैं यहाँ पे आपको थोड़ा सा अलग करके बताता हूँ, ठीक है। अभी इसमें क्या इशू आएगा, फिर हम कैसे सॉल्व कर देंगे इसे, जो भी इशू आएगा। अभी आप बोलोगे कि सिंपल हम क्लिक करेंगे और हो जाएगा, मैं यहाँ पे जाता हूँ रिमूव मल्टी सेक्शन में, फर्स्ट सेकंड। अब इसमें एक दो तीन चार पॉइंट है और इसमें सिर्फ एक ही पॉइंट होते जा रहा है। अगर मैं इन नैरो को सेम भी कर देता हूँ तब भी क्या बनेगा, नहीं बनेगा, राइट। ये देखो कैसे जा रहा है यहाँ, तो इसके लिए हमें इस पे जाना पड़ेगा पहले, ठीक है। हमें बेसिकली पॉइंट चाहिए, ठीक है, तो मैं क्या करूंगा आपको एक और चीज दिखाता हूँ। ये ब्रेक हमने यूज नहीं किया था ना, यहाँ पे जाऊंगा, ये यहाँ पे जाएंगे हम, ये ठीक है, ये देखो ब्रेक हो गया। वैसे हम एक यहाँ पे करेंगे, ये पॉइंट, ये लाइन, इस लाइन के पॉइंट ब्रेक हो गया। जो ब्रेक करना है हमें उसे पहले सिलेक्ट करना है, किसके रिस्पेक्ट में सिलेक्ट करना है वो अभी करेंगे, जो नियर होगा। अब बोले यहाँ पे क्यों नहीं हो गया, तो क्यों यहाँ पे क्यों हुआ, कंट्रोल जेड करता हूँ मैं, अंडू हो जाता है कंट्रोल जेड से, ठीक है। अभी देखो ब्रेक नहीं हुआ है, मैं ये सिलेक्ट करूँगा, अगर मैं इसके नियर करूँगा, यहाँ पे करूँगा तो ये वाला होगा, यहाँ पे इसके नियर करूँगा तो ये वाला होगा, क्लिक करके देखो ये हो गया। वैसे अब इस साइड करेंगे हम, ये तो ये ब्रेक हो गया, ठीक है, हमें 4 पॉइंट मिल गए। अब इसकी जरूरत है नहीं है, आपको कंस्ट्रक्शन में रखना हो रख सकते हो, पर कंस्ट्रेंट करके रखना, ठीक है। अभी हमारे पास पॉइंट आ गए,
सेलेक्ट करेंगे हम इसे, ठीक है। क्लोजिंग पॉइंट क्या वहाँ पे, इसे क्लोजिंग पॉइंट क्या है हमें चाहिए, यहाँ पे, यहाँ पे क्लिक करेंगे हम रिप्लेस क्लोजिंग पॉइंट, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये आ जाएगा। अभी देखो एरो दूसरी तरफ है, क्लिक करेंगे एरो ऑलमोस्ट सेम है, ठीक है। अब जाएंगे हम कपलिंग, फर्स्ट पॉइंट इसको कहाँ पे मैच होना चाहिए, यहाँ पे, ठीक है। सेकंड पॉइंट इसको कहाँ पे मैच होना चाहिए, यहाँ पे, ठीक है। थर्ड पॉइंट को कहाँ पे मैच होना चाहिए, यहाँ पे। फोर्थ पॉइंट को कहाँ पे मैच होना चाहिए, यहाँ पे। अब ये इसके अकॉर्डिंगली इसकी प्रोफाइल को चेंज करेगा, ठीक है। प्रीव्यू करोगे, ओके, ये देखो कर दिए गट, और सेम प्रोफाइल वैसे ही जो हमने पॉइंट्स किए थे ना, अब उस पॉइंट से उसे थोड़ा कैलकुलेट करने में इजी हो गया। अगर वो नहीं करते हम तो ये होना ही नहीं था। तो इस तरह मल्टी सेक्शन सॉलिड यूज कर सकते हैं, ठीक है। अब और एक चीज़ बताता हूँ, अगर आपको मान लो ये फीचर अभी नहीं चाहिए, तो अब सिंपल क्लिक करोगे, यहाँ पे जाओगे डीएक्टिवेट, डीएक्टिवेट फीचर, तो ये डीएक्टिवेट हो जाएगा यहाँ पे, ये देखो। तो अभी वो है नहीं, ठीक है। उसके बाद मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ शेल फेसेस टू रिमूव, ठीक है। ये रिमूव करना है, 1 mm की थिकनेस चाहिए, ये फेस रिमूव हो गया, ये थिकनेस हो गई, आपका शेल हो गया, ठीक है। बाकी हम अगली क्लास में इन्हें कवर करेंगे, अभी के लिए इतना ही, थैंक यू।